भाई क्रियो का जो ये होक गेमिंग माउस है ना, इसने मार्केट में लिटरली आग लगा रखी है 1000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। यूजुअली लॉजिटेक का G102 या रेजर का डेट रेसेंशियल है ना, इनमें काफी कंपटीशन रहता है, लेकिन भाई क्रियो के होक के आने से बंदे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि लॉजिटेक का G102 ले, रेजर का डेट रेसेंशियल ले, या फिर भाई ये नया क्रियो का होक ले। तो भाई इस होक को है ना इस वीडियो के अंदर थोड़ा शोक लगने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं इस माउस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अभी तक किसी और क्रिएटर ने शायद से नहीं बताई हैं। इसका सॉफ्टवेयर आप भूल जाइए काम करेगा, मतलब मैंने अच्छे से चला के देख लिया अपने दोनों सिस्टम पर, विंडोज 11 पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, .9 विंडोज 10 में भी आज के दिनों में कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैंने कंपनी को ईमेल भेजा, इंस्टाग्राम में DM किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सारी बातचीत आपको है ना इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप 1000 रुपए के प्राइस रेंज में ये माउस देख रहे हो डेफिनेटली इस वीडियो को देख लेना। रिव्यू करने के बाद ये माउस मेरे किसी काम का नहीं होने वाला, तो मैं आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को ना ये ऑफर कर दूंगा कम प्राइस में। आप लोग तो भाई हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो पैसे आएंगे उन पैसों से मैं और प्रोडक्ट खरीद के इसी तरीके से जेन्युइन रिव्यू दे पाऊंगा। तो लाइक सब्सक्राइब स्वाद अनुसार कर देना, 10,000 करने हैं भाई सब्सक्राइबर जल्दी। वेलकम गाइस, दिस इज रिशो, लेट्स स्टार्ट। तो भाई कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में क्रियो का होक गेमिंग माउस देखने को मिलता है, चारों तरफ की हाईलाइट्स मेंशन कर रखी है, लेकिन हम फटाफट से भाई फोकस करते हैं प्रोडक्ट की तरफ, डब्बा खोल लेते हैं। तो भाई डब्बा खोलते साथ ही सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके की रैपिंग में माउस देखने को मिल जाता है, इसको खैर साइड में रखता हूँ। यहाँ पे कुछ इन्होंने पेपर वर्क भी दिया है, जहाँ पर एक ये यूजर मैनुअल दिया गया है और दो क्रियो के ब्लैक एंड व्हाइट कलर के स्टिकर्स दिए गए हैं, खैर किसी काम के नहीं है। हम सीधा भाई फोकस करते हैं हमारी मेन यूनिट पर जो कि ये माउस। तो भाई देख सकते हो कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का ये क्रियो होक गेमिंग माउस देखने को मिलता है। सबसे पहले इसकी वायर की बातचीत कर लेते हैं, लगभग वही 5-6 फीट जो स्टैंडर्ड साइज रहता है वायर देखने को मिल जाता है टाइप ए USB पोर्ट के साथ में, और वायर भाई यहाँ पर ब्रेडेड वायर दी गई है, तो वायर की क्वालिटी ठीक ठाक है। और यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने अच्छी कर दी भाई, जो जॉइंट है ना माउस का और वायर का, यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरीके का मतलब जुगाड़ सा कर रखा है, जिसकी वजह से ऐसा फील आ रहा है कि फ्यूचर में ना यहाँ से वायर लूज नहीं होगी। तो खैर ये प्लस पॉइंट है, इसके लिए मैं यार थम्स अप देना चाहूँगा ब्रांड को। और भाई माउस का वेट आप देख सकते हो लगभग 108-109 ग्राम के आसपास का इसका वेट है, जो कि मुझे लगता है ठीक है यार, इस प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा लाइट वेट माउस जैसे कि एजस का एपेक्स या एजस का AZ139 Max वो एक्सपेक्ट करने यार बेवकूफ़ी होगी, शिकायत नहीं करूँगा ठीक है यार। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, जो और ब्रांड्स है ना जैबरोनिक्स एंड स्पोर्ट्स जो वो माउस निकाल रहे ना 1000 रुपये की प्राइस रेंज के बजट में, उनसे बेटर बिल्ड क्वालिटी क्रियो वाले इस माउस के अंदर दे रहे हैं, तो बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं है। अगर मैं बात करूं ग्रिप की तो यार देखो इसकी एक बार कंस्ट्रक्शन देखो, इसमें जो कर्व दिए गए ना एकदम ठीक कर्व बोलूंगा, पाम ग्रिप चाहिए पाम ग्रिप मिल जाएगी, क्लो ग्रिप चाहिए क्लो ग्रिप मिल जाएगी, हाइब्रिड ग्रिप चाहिए तो वो भी मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर हैंड। मेरे हाथ के साइज के हिसाब से मुझे ये माउस है ना बिल्कुल परफेक्ट लगा, मतलब बहुत अच्छी साइड ग्रिप्स दी गई है दोनों ही साइड, राइट हैंडेड माउस है लेकिन लेफ्ट हैंडेड यूजर्स के लिए नहीं है। अगर मैं बात करूँ उसके बॉटम साइड की तो देख सकते हो यहाँ पे जो फिट्स वगैरह दिए गए हैं, ग्लाइड करने पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, मैंने स्लाइड व्लाइड करा वैलोरेंट में ना अग्रेसिव गेमिंग करके देखी। तो भाई ये माउस जिस प्राइस रेंज में अवेलेबल है उसके हिसाब से बेखूबी अपना काम अच्छे से निभा देता है। और भाई कंपनी ये दावा करती है कि ये माउस 7 प्रोग्रामेबल बटन्स के साथ में आता है, लेकिन नहीं आता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है ना भाई, मैंने अपने दो सिस्टम पर चेक करके देख लिया, विंडोज 11 में तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और डोंट नो विंडोज 10 में भी आज के दिनों में कर रहा है नहीं कर रहा है, जबकि और जो ब्रांड्स के सॉफ्टवेयर होते हैं माउसेस के माइस के लॉजिटेक का G102 हुआ, उसका जो लॉजिटेक का G Hub सॉफ्टवेयर है वो विंडोज 11 10 सभी में काम करता है ऑलमोस्ट, तो डोंट नो क्यों नहीं कर रहा है। उसकी वजह से है ना इसके 7 प्रोग्रामेबल बटन प्रोग्रामेबल होने के बावजूद भी है ना भाई प्रोग्रामेबल नहीं रहे, जो कि इस माउस का आज के दिनों में बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन चुका है और लोग सोच रहे हैं कि इसको लें या ना लें। तो खैर अगर कंपनी का कोई रिस्पॉन्स आ जाता है ना मेरे पास, मैं डेफिनेटली नीचे कॉमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा या इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल दूंगा, बस आप सब्सक्राइब करके रख लो भाई के इंस्टाग्राम को, पेज को है ना फॉलो करके रख लो ताकि आपको अपडेट मिल जाए। खैर देख सकते हो 7 बटन्स गिनवा देता हूँ पहले जो प्रोग्रामेबल है, ये है लेफ्ट बटन राइट बटन मिडल व्हील, इसके साइड में ना यहाँ पर जो बटन दिया गया है इसमें एक तो काफ़ी अच्छी ग्रिप दी है और इस बटन को है ना डबल क्लिक बटन बोल सकते हैं, एक बार प्रेस करने पर डबल बार काम करता है। और इसी के ठीक ऊपर एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड बटन दिया गया है, फॉरवर्ड बटन में मेरा जो ग्रिप दी है इन्होंने वो एक नंबर की दे रखी है। इसके ठीक साइड में एक डेडिकेटेड DPI का बटन दिया गया है, भाई इसकी प्लेसमेंट
लिटरली टू गुड, मतलब बहुत सही प्लेसमेंट लगी मुझे इसकी। इसके भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रिप दी गई है। 7 स्विचेज यहाँ पर है ना डीपीआई की देखने को मिल जाती है, जो कि आप इस डेडिकेटेड डीपीआई के बटन के थ्रू है ना स्विच कर सकते हो, इवन सॉफ्टवेयर वर्क अगर ना करें। इसके ठीक ऊपर इन्होंने ना एक LED इंडिकेटर भी दे दिया, जिस लेवल के DPI पे हम होंगे ना ये कलर के थ्रू इंडिकेट कर देगा, आपको पता लग जाएगा आप कौन से लेवल के DPI पर इस समय हैं। ठीक नीचे की तरफ हमें एक RGB का डेडिकेटेड बटन दिया गया, जहां से आप RGB के जो इफेक्ट्स है ना वो कस्टमाइज कर सकते हैं। और हाँ यार, इसके व्हील के बारे में तो मैं बात करना भूल ही गया। स्टार्टिंग में जब माउस रिसीव हुआ था ना, लगभग 2 दिन तक तो है ना इसका जो व्हील है वो काफी टाइट चल रहा था, लेकिन 2 दिन बाद पता नहीं अपने आप ये फ्री हो गया। डोंट नो मेरी यूनिट में ये था या सब यूनिट्स में ऐसा होता है। अगर आप एक क्रियो होक यूजर है, क्रियो का होक गेमिंग माउस यूज कर रहे हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपके में सॉफ्टवेयर चल रहा है नहीं चल रहा है, खुल के बताने यार, सो दैट हमारे और सब्सक्राइबर लोगों की हेल्प हो सके। खैर एक बार फटाफट से ना मैं इसके RGB वाले पार्ट पर जंप मारता हूं। देख सकते हो माउस के ठीक नीचे की तरफ है ना एक बहुत मोटी स्ट्रिप इन्होंने दे रखी है व्हाइट कलर की, जहाँ पर भाई बहुत तड़कती भड़कती RGB मिल जाती है। और भाई मैं लिटरली कह रहा हूँ, इससे अच्छी RGB है ना मैंने इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मतलब Logitech का G102 भी अगर मैं RGB के मामले में इससे कंपेयर कर लूँ ना, तो भाई ये उसको भी मात दे देगा RGB के मामले में। सिर्फ RGB की ब्राइटनेस टू गुड, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, मतलब दूर से ये ना अट्रैक्ट कर देगी कोई भी अगर आपके रूम में एंटर करेगा, वो पूछेगा जरूर भाई कौन सा माउस है ये। यहाँ पर कलर्स जो है बहुत सही दे रखे हैं, 5-6 इफेक्ट यहाँ पर RGB के दिए गए हैं, जिसमें से भाई 2-3 तो गजब है। लेकिन यहाँ पर RGB का जो इफेक्ट है ना, जिसमें RGB बंद हो जाती है, मतलब वो बंद होने के बावजूद भी ना बंद रहती नहीं है, क्योंकि भाई इन्होंने जो क्रियो के लोगों में भी एक LED लाइट लगा रखी है, और DPI LED इंडिकेटर पर भी जो LEDs दे रखी है ना वो हमेशा ऑन रहती है, उसको ऑफ नहीं कर सकते हो। और उसी कारण से उनकी जो रोशनी होती है ना, वो उसका थोड़ा सा जो ग्लो होता है वो विजिबल रहता है इस स्ट्रिप में कहीं कहीं जगह पर। तो RGB बंद करने का आप भूल जाओ, मतलब थोड़ा चीप सा लगेगा, नीचे स्ट्रिप में ना हमेशा थोड़ी बहुत रोशनी जो है ना वो रहेगी। लेकिन इसको मैं मतलब इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि इस माउस में है ना बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी दे रखी है, जो कि मजबूर कर देता है इस माउस को मतलब खरीदने के लिए। तो भाई टोटल इसमें ना 8 बटन बन जाते हैं, 7 प्रोग्रामेबल है, और जो RGB वाला है ना वो RGB वाला काम करेगा। और बात करूँ भाई मैं इसके सेंसर की, तो PixArt का PMW 3327 सेंसर इसमें दिया गया है। अच्छा सेंसर होने की वजह से ना इसकी परफॉर्मेंस को लेकर के भाई बेफिक्र हो जाओ, मतलब एकदम जो मूवमेंट्स रहेंगी ना एक्यूरेट रहेंगी, जो ग्लाइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो बहुत स्मूथ रहेगा, ट्रैकिंग स्पीड इसकी ठीक है प्राइस के हिसाब से। और भाई इसी सेंसर की वजह से आपको इसमें 200 से लेकर के 12400 तक का DPI लेवल मिल जाता है। ओवरऑल इसके खाली और खाली सॉफ्टवेयर की वजह से ना आपको इसको लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके जितने भी फीचर्स हैं ना, जैसे कि किसी बटन कोई फंक्शन डिजाइन करना है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में होता है। मैं ब्रांड को बोलूँगा अगर देख रही है वीडियो, प्लीज़ भाई इसका सॉफ्टवेयर वापस कर दो जनता को, बहुत अच्छा माउस है, प्यारा माउस है, 1000 रुपये की प्राइस रेंज में, 1100 रुपये की प्राइस रेंज में, चलो 1200 रुपये की प्राइस रेंज में भी अगर सॉफ्टवेयर काम कर जाता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं करता है तो भाई मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करने से पहले सोचूंगा यार। अगर आप बटन कस्टमाइज यूजुअली नहीं करते हैं तो आप स्टिल अगर 900 रुपये में मिल रहा है तो आप इसको ले सकते हो, काफ़ी अच्छा सेंसर है, काफ़ी अच्छी RGB है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, चाहे वो माउस की बॉडी की हो चाहे वो वायर की क्वालिटी हो। अगर 900 रुपये के प्राइस में मिल रहा है और आप बटन्स को कस्टमाइज यूजुअली नहीं करते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, अगर करते हैं तो भाई सॉफ्टवेयर के बिना बात बनने नहीं वाली, इसको रिजेक्ट मारो ठीक है। और अच्छे अच्छे माउस जैसे Logitech के G102 हो गया, आपका भाई पिछले 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, भाई अभी तक तो है ना डबल क्लिक इशू आया नहीं है भगवान की दुआ से, टचवुड। और रेजर का दैदर एसेंशियल मैं यूज़ कर रहा था ठीक है, 1-1.5 साल बाद वो ख़राब सा हो गया, मतलब लैग वगैरह देखने को मिल रहा है, रिप्लेसमेंट में करवाने की सोच रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। खैर वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो भाई लाइक करना, इसी तरीके से जेन्युइन रिव्यूज आपको इस चैनल पे मिलेंगे। आप लोग ही हमारे स्पॉन्सर्स हो, आप लोगों के प्यार की ताकत की वजह से है ना ये सब पॉसिबल हो पाता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।